रंगदारी के आरोपों में घिरने के बाद बाघमारा से भाजपा विधायक डुल्लू महतो ने धनबाद डीसी को एक पत्र भेजा है। विधायक ने पत्र के माध्यम से 6 बिंदुओं पर जांच की मांग की है। विधायक ने धनबाद जिले में संचालित लगभग 120 हार्डकॉक प्लांट में कार्यरत मजदूरों को सरकार के नियमों के अनुसार मजदूरी नहीं दिए जाने और पीएफ ईएसआई का लाभ नहीं दिए जाने का हवाला देते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठन करने की मांग की। साथ ही हार्डकॉक प्लांटों में इस्तेमाल किए जाने वाले कोयले के स्टॉक का पुनः मूल्यांकन करा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि कहीं हार्डकॉक प्लांट में चोरी का कोयला तो नहीं खपाया जा रहा। इसके अलावा सभी हार्डकॉक प्लांट में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग ढुल्लू ने उपायुक्त से की है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के हम प्रतिनिधित्व करने के नाते हमारे पास मजदूर लोग आए थे और उनको डिमांड को हम डीसी तक पहुंचाए और ये होना भी चाहिए। पहला कि भट्ठा में कार्यरत मजदूर को श्रम कानून के तहत उसको न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम सारा सुविधा मिलना चाहिए। तीसरा चौथा नंबर भट्ठा कार्यरत मजदूरों को सूची तैयार किया जाए ताकि जो सूची मजदूर काम कर रहा है उसका सूची जिला प्रशासन और वहाँ के जनप्रतिनिधि उसको उपलब्ध कराया जाए ताकि वो धमकी नहीं दे कि हम तुमको हटा के फिर दूसरा मजदूर को रखेंगे। और न्यूनतम मजदूर उसका भी बैंक पेमेंट होना चाहिए, उसका भी श्रम कानून के तहत उसको पेमेंट होना चाहिए। पांचवा है भट्ठा में सीसीटीवी कैमरा का लगना जरूरी है क्योंकि कौन चोर है तो गलत हुआ है नहीं होना चाहिए, बुलाना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए ताकि वो अपना भी बात को रख सकता। तो मजदूरों का भाई डिमांड है, मजदूरों का बात है और आज वहाँ पे नहीं पूरे धनबाद जिला में जो मजदूरों का सब शोषण हो रहा है, कहीं पे कुछ रेट, कहीं पे कुछ रेट, सारे जगह पर एक रेट होना चाहिए। मजदूरों की स्थिति का आकलन करने के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन करने और उसमें एक मजदूर प्रतिनिधि को शामिल करने की भी मांग रखी है। मांग पत्र सौंपने के बाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ढुल्लू महतो ने कहा कि आईसीए अध्यक्ष बीएन सिंह राजनीति के तहत उनके ऊपर रंगदारी का आरोप लगाए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।